क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। कहाँ से आए? हरदोई से। कहाँ जाना है? एका। तो अभी कोई बस नहीं है? कोई बस कब है? बस सवेरे हुई। यहाँ कोई आग की व्यवस्था है या जो है कुछ लेटने बैठने के लिए रैन बसेरा वगैरह कुछ? कुछ ना यहाँ तो बैठे ठंड में कैसे पूरी रात काटेंगे? बैठे मुसीबतें काटेंगे का तक। दिसंबर माह में 18 दिन बीतने को है, कड़ाके की ठंड भी शुरू हो गई है। उसके बाद भी एटा जिला प्रशासन हो या नगर पालिका प्रशासन, उसने ना तो अलाव की व्यवस्था की है ना ही कोई रैन बसेरा लगाया है। यहाँ के राहगीर बाहर कड़ाके की ठंड में सोने को मजबूर हैं। ये हाल तब है जब जिला प्रशासन के अधिकारी अलाव व रैन बसेरे के लिए बजट पास होने की बात कह रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस महीने में जब ठंड बेतरतीब पड़ रही है तो ये अलाव और रैन बसेरी की व्यवस्था कब तक कराते हैं। वीरेंद्र पांडे, ईटीवी भारत, एटा।